सुपर जॉय के आने के बाद तो हमने देखा ही कि कितनी तबाही हुई, और समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने के बाद कोई भी जनहानि नहीं हुई। हालांकि अब जो अगला तूफान आएगा वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जो तूफान आएगा उसका नाम तेज होगा, और ये तूफान कब आएगा ये कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन जब भी आएगा उसके लिए सरकार और मौसम विभाग पहले ही सतर्क है। क्योंकि अगर हम पिछले तूफान को ही देख लें, जो आए हैं उन्होंने काफी तबाही मचाई थी जिस कारण कई लोगों की जान भी चली गई थी। वहीं हाल ही में आए तूफान बिपरजॉय ने राज्य में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के 8 जिलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हालांकि पूर्व चेतावनी सिस्टम और पुख्ता तैयारियों ने किसी तरह की जनहानि नहीं होने दी। समय रहते 1,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। बहरहाल अधिकारियों का कहना है कि जनहानि न होना सबसे बड़ी बात है। बता दें कि 1998 में गुजरात में आए भीषण तूफान में करीब 4,000 लोगों की जान चली गई थी। वहीं आपको बता दें कि साल 2021 में गुजरात में चक्रवात टकराया था जिसका नाम ताऊते था। गंभीर चक्रवाती तूफान ताऊते ने देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों में भयंकर तबाही मचाई। केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद ताऊते तूफान गुजरात की ओर बढ़ा। इस तूफान की वजह से महाराष्ट्र में 6 तो गुजरात में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, ताऊते तूफान ने प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और सैकड़ों की संख्या में पेड़ उखाड़ दिए। इसके अलावा कई गांव भी प्रभावित हुए और झोपड़ियों को भी तबाह कर दिया। चक्रवाती तूफान ताऊते ने कई इलाकों में जमकर कहर बरपाया। तूफान के रास्ते में जो कुछ भी आता गया उसने उसे अपनी चपेट में ले लिया। यह तूफान का ही असर था कि मुंबई में जोरदार बारिश हुई और जगह जगह पेड़ भी उखड़ गए। चक्रवाती तूफान महाराष्ट्र के बाद गुजरात में तबाही मचाया, जबकि केरल, कर्नाटक और गोवा में भी तूफान की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। वहीं 114 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। वहीं गुजरात में 185 की रफ्तार से तूफान टकराया था। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश ने रखा है। यह बंगाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आपदा। उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में अगला उष्णकटिबंधीय चक्रवात तेज आएगा। यह नाम भारत के सुझाव पर रखा जाएगा। दरअसल विश्व मौसम संगठन के नेतृत्व में पूरे विश्व में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर और 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर बने हुए हैं। भारत भी एक उन्हीं में से एक सदस्य है, जिसमें सदस्य देश उत्तरी हिंद महासागर यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान का नामकरण करता है। इस संगठन में वर्तमान में 13 देश शामिल हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन है। भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में चक्रवाती तूफानों के नामकरण की शुरुआत 2004 में हुई थी। सभी देश बारी बारी से क्षेत्र में आने वाले चक्रवाती तूफान का नामकरण करते हैं। अंग्रेजी में अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार देशों को मौका दिया जाता है। सबसे ऊपर बांग्लादेश है और सबसे अंत में UAE। वर्ष 2019 में हुई बैठक में सभी 13 देशों ने 13 तूफानों के नाम की सूची सौंपी थी, यानी कुल 163 तूफानों की सूची वर्तमान में विश्व मौसम संगठन के पास है। अब तक 14 नाम का उपयोग किया जा चुका है। 15वां तूफान तेज होगा। गत महीने बंगाल की खाड़ी में मोचा तूफान आया था जिसका नाम UAE ने रखा था। लोगों व वैज्ञानिकों में जागरूकता पैदा करने, तूफान का नाम आसानी से याद रखने, प्रभावी ढंग से चेतावनी का प्रचार प्रसार होने के लिए तूफानों का नामकरण किया जाता है। अब जो अगला नंबर है उसके अनुसार व्यवस्थित देशों द्वारा दिए गए नामों की लिस्ट तैयार की जाती है। ये लिंग, राजनीति, धार्मिक विश्वासों और संस्कृतियों से तटस्थ होते हैं। एक बार किसी नाम का प्रयोग हो जाने के बाद उसे दोबारा नहीं दोहराया जाता। चक्रवात के नाम में अधिकतम 8 अक्षर हो सकते हैं। कोई भी नाम किसी भी सदस्य देश के लिए अपमानजनक नहीं होना चाहिए या जनसंख्या के किसी भी समूह की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। चक्रवाती तूफान जैसे इनमेट, कटरीना, बुलबुल, लीजा, पैलिन, लैरी, हुदहुद, निसर्ग, अम्फन और निवार तूफान शामिल हैं। ऐसे ही नाम देखकर मन में सवाल आता है कि इसका नाम कैसे तय होता है। भारत और उसके पड़ोसी देशों ने वर्ष 2000 के बाद से चक्रवातों के नाम रखने का चलन शुरू किया। इन देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इन देशों ने चक्रवात तूफानों के नाम रखने के लिए एक सूची बना रखी है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने चक्रवाती तूफानों के नाम तय करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। बता दें कि 10 दिनों से अधिक समय तक अरब सागर में मंथन करने के बाद चक्रवात बिपरजॉय ने गुरुवार को गुजरात में जखाऊ बंदरगाह के पास लैंडफॉल किया और पश्चिमी तटीय राज्य के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों में विनाश का निशान छोड़ गया। अब जो अगला तूफान तेज आएगा वो भारत द्वारा दिया गया नाम है और दावा ये किया जा रहा है कि ये बिपरजॉय से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है।
बता दें कि अगले चक्रवात तूफान को लेकर नाम तय कर रखे हैं। इनमें भारत की ओर से गति, तेज, मुरासू, आग, नीर, प्रभंजन, घुर्नी, अम्बुल, जलाधि और वेग नाम शामिल किया गया है। इससे पहले भारत द्वारा दिया गया नाम गति का इस्तेमाल किया जा चुका है, जो कि साल 2020 में सोमालिया में आया था। सोमालिया में आए तूफान चक्रवात गति ने सोमालिया में लैंडफॉल किया था। अब देखना होगा कि अगला तूफान तेज कब और कहां आएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।